ये हमारा 22x48 का प्लॉट है जिसमें हम लोगों ने बिल्डअप एरिया रखा है 950 स्क्वायर फीट। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 950 स्क्वायर फीट में हम लोग 3 BHK यूनिट कैसे शिफ्ट किए हैं, कैसे मैनेज करके निकाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। नमस्ते इंडिया। तो ये हमारा साइट है जिसमें 3 BHK जो घर है वो बना हुआ है। तो चलिए आपको लाइव में दिखाती हूँ कि ये साइट कैसा जो बनने के बाद अभी निकल करके आया है। ये फाइनल अभी पूरा फिनिश नहीं हुआ है, अभी इलेक्ट्रिक का काम बचा हुआ है, थोड़ा थोड़ा प्लम्बिंग का भी फिटिंग्स बचा हुआ है। तो चलिए चल करके देखते हैं साइट पर क्या है। तो सबसे पहले इधर है हमारा मेन एंट्रेंस, और मेन एंट्रेंस के बाद ये हमें मिल जाता है पार्किंग, जहाँ पे आराम से एक छोटा गाड़ी का ये पार्किंग है, 2 बाइक वगैरह आराम से लगेगा। और जस्ट पार्किंग के साइड के यहाँ पे है सीढ़ी स्टेयर के, जिससे आप चढ़ के छत पे जा सकते हैं। और जितना इलेक्ट्रिकल कनेक्शन वगैरह है सारा यहीं पे होगा, अंडर द स्टेयर। यहाँ पे सारा इलेक्ट्रिकल का कनेक्शन है, ताकि कोई बाहर से इलेक्ट्रिशियन आए तो अपना यहीं पे चेक वेक करके मीटर बोर्ड वगैरह चला जाए। उसके बाद देखते हैं अंदर आते हैं, हमें मिलता है यहाँ पे जस्ट सीढ़ी के बगल में एक गेस्ट के लिए वॉशरूम, कि बाहर का आदमी को अगर वॉशरूम वगैरह जाना है तो वो घर के अंदर ना जाए, बाहर ही जाए। आइए देखते हैं। ये बाथरूम है, पैन हो गया और ये बाथिंग एरिया हो गया बाहर के लिए, गेस्ट के लिए। फिर जैसे ही हम अंदर आते हैं हमें मिलता है यहाँ गेस्ट रूम, जिसको हम ड्राइंग रूम भी बोल सकते हैं, ड्राइंग कम गेस्ट रूम। यहाँ पे सोफा वगैरह लगेगा, तो ये गेस्ट को आप स्टे करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप एज ए ड्राइंग रूम में इसको यूज कर सकते हैं। ये हमारा पहला रूम हुआ इस घर का। फिर जैसे ही इधर से हम अंदर आते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पे डाइनिंग हॉल, जस्ट डाइनिंग के बगल में ये हमारा वॉश बेसिन का एरिया है। यहाँ पे लगेगा वॉश बेसिन हाथ वगैरह धोने के लिए। उसके बाद डाइनिंग के इधर कॉर्नर में हमारा एक घर के अंदर का वॉशरूम है, फैमिली लोग के यूज करने के लिए। काफी स्पेशियस है ये वॉशरूम, बातें वगैरह जो भी है आपका चौड़ा स्पेस है, आराम से हो जाएगा। यहाँ पे हमारा वाटर क्लोजेट है। उसके बाद ये था हमारा डाइनिंग हॉल। डाइनिंग हॉल के जस्ट इस वाले साइड में हमारा है किचन, जो कि काफी यहाँ पे मतलब ज्यादा साइज का किचन है, आराम से यहाँ पे कुकिंग वगैरह होगा, बेसिन यहाँ पे है, स्पेस काफी अच्छा है, अच्छे से यहाँ पे हो जाएगा जो भी किचन का चीज है। उसके बाद जस्ट डाइनिंग हॉल से हमारा है पहला रूम यहाँ, दूसरा रूम यहाँ, और एक रूम बाहर है, यानी कि 3 रूम। तो गाइस इतना सब कुछ जो बना हुआ है, क्या आपको पता है कि कितना स्पेस में बना हुआ है? ये मात्र 950 स्क्वायर फीट में वेल ऑर्गेनाइज जो है बना हुआ है। तो आप भी अपने छोटे प्लॉट में, अगर प्लॉट ज्यादा है तो वेल एंड गुड, अगर कम भी प्लॉट है तो भी अगर आप ऑर्गेनाइज करके बनाएंगे तो इससे भी बेटर प्लान आपको मिल जाएगा। तो आप भी अपने घर को एकदम ऑर्गेनाइज वे में बनाए, ताकि आपका जितना भी जमीन है उसमें ही उतना में ही आपको स्पेसियस सब कुछ मिल जाए। यहाँ पे 3 रूम भी हो गया, ड्राइंग स्पेस भी हो गया, डाइनिंग भी हो गया, डबल बाथरूम भी है, किचन भी स्पेसियस है, और यहाँ पार्किंग के लिए भी छोटा गाड़ी का अच्छा जगह है। और यहाँ से चढ़ के हम जाएंगे तो चलिए हम लोग छत दिखाते हैं। और देखिए जैसे ही सीढ़ी चढ़ के आए, हमारा जो बाथरूम था, बाथरूम के ऊपर यहाँ पे हमारा स्टोरेज स्पेस बना हुआ है, सामान वगैरह भी रहेगा। यहाँ पे इसका एंट्रेंस रहेगा। ये रहा गाइज हमारा टेरेस, जो कि काफी ओपन है, पूरा स्पेस हमारा ओपन है। सीढ़ी के जस्ट सटा के टैंक रखा हुआ है, ताकि पूरा स्पेस हमको स्पेसियस मिल जाए यूज करने के लिए, पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज हम लोग छत पे कर सकते हैं। तो गाइज आप कमेंट में बताइए कि ये 950 स्क्वायर फीट में जो 3 BHK होम बना हुआ है, ये आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ऐसे ही अगले वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय।